तो आज हम बनाएंगे, एक बच्चा है उसकी है ना गाड़ी का जो अडोप्टर है वो खो गया है, तो मुझे उसके लिए अडोप्टर बनाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, जैसे आपका कोई खिलौना है उसकी गाड़ी उसका अडोप्टर खो जाता है, उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी है 5 वोल्ट की, तो मुझे 5 वोल्ट का ही एक ऐसा चार्जर ले लेना है, कोई सभी पुराना चार्जर जो चलते थे पहले मोबाइल के, जो बटन वाले मोबाइल आते थे ना उनके चार्जर आपके सबके घरों में पड़े मिलेंगे 5 वोल्ट के, तो एक ऐसा पुराना चार्जर ले लेना है। और एक उसके लिए एक मुझे एक पिन लेनी पड़ेगी जो उसके साइज की है, जैसे मैंने ये पिन ली है, ये पिन मुझे उस पर उसके पुराने चार्जर की कटी हुई मिल गई थी जिसमें जो गाड़ी थी उसकी, तो उसकी ये पिन उसके नाप की मैंने पिन ले ली है। तो हम क्या करेंगे, इस पिन को काट के इसके अंदर लगा देंगे और ये फिर उसकी गाड़ी का चार्जर तैयार हो जाएगा आराम से। तो आप घर पर भी कोई भी अपने गाड़ी का चार्जर तैयार कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका चार्जर ओके होना चाहिए। तो हम पहले इस चार्जर को चेक करेंगे, अगर ये चार्जर सही हुआ तो हम इसमें काट के इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिन को काट लेंगे, एक चार्जर है इसको पिन को काट लेते हैं। ये मैंने इसकी पिन को काट दिया और इसके तारों को छील लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पिनों को मैंने छीन लिया आराम से। अब छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आप किसी भी मदद से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको हल्का सा जला के छील देता हूँ, तो आसानी पड़ती है इसमें, इसलिए मैंने लाइटर रखा हुआ अपने पास। बस अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर इसमें वोल्टेज आ रही है तो हम इस चार्जर को, क्योंकि ये चार्जर बहुत पुराना है मेरे पास, पता नहीं सही होगा नहीं, चेक करते हैं इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने इसको लगा दिया है और ये रहा मल्टीमीटर, हम इसमें चेक करेंगे। 20 वोल्ट पे मैंने इसको कर दिया, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस। दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रही है, इसके अंदर तो दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, चार्जर को खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। चार्जर है, इसको खोलेंगे अब हम पेचकस की मदद से, आराम से खुल जाता है ये। आसानी से नहीं खुलता वैसे तो, थोड़ी सी बात 2 इसमें सब कुछ तो सही है, तार कटा हुआ लग रहा है, लगता है ये तार कटा हुआ है, तार तो सही दिखा रहा है, खाली इसका एनामेल छिड़ा है, कटा हुआ नहीं है ये खाली एनामेल छिल गया है इसका, वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं इसमें लाइट क्यों नहीं आ रही, इसको हम चला कर देखेंगे इसमें। दोस्तों इसकी वोल्टेज चेक, इसमें रजिस्टेंस ट्रांजिस्टर सब चेक करते हैं इसके बारी बारी से, कंटिन्यूटी मोड पर कर लेते हैं। इसकी जहाँ तक रेजिस्टेंस ये सही है, रेजिस्टेंस मेन दोस्तों रेजिस्टेंस ही उड़ती है, रेजिस्टेंस उसकी सही आ रही है, सही वोल्टेज बता रहा है। बारी बारी से इसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे हम, पहले हम आयरन लगाएंगे। इसके सारे तारों को निकाल देंगे जिस समय काम करने में आसानी हो। आप तो एक नया चार्जर लेके भी अपना सीधा काम कर सकते हैं, मेरे पास ये पुराना चार्जर पड़ा था, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ में आ जाएगा और उसका खिलौने का चार्जर बन जाएगा गाड़ी का। तो हम सबसे पहले इसके तार निकाल के देखते हैं कहाँ दिक्कत है, प्लस वाला निकाल लेते हैं, माइनस वाला, ये माइनस वाला तार यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि ये माइनस वाला तार तो हमें वैसे भी यहाँ से काट के लगाना है, इसलिए इसको निकालेंगे हम।
ऑडियो प्लस वाला भी निकाल लेते हैं। हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत है। हम इसका डायोड चेक करेंगे दोस्तों, डायोड भी ख़राब होते हैं इनके अधिकतर। एक तरफ उल्टी, एक तरफ सीधी तरफ से दोस्तों, बिल्कुल सही है डायोड। ये वाला डायोड चेक करते हैं, ये भी एकदम सही बता रहा है। इसको मल्टीमीटर को देखते रहते हैं, ठीक है, एकदम सही बता रहा है डायोड भी। और हम इसका कंडेंसर चेक करेंगे, कंडेंसर भी सही है। तो कहाँ फॉल्ट है, ये चारों डायोड भी चेक कर लेते हैं बारी बारी से। जिसमें दो डायोड उसमें उल्टे लगे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव और दो निगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगे होते हैं। तो एक साइड से कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, एक साइड से नहीं बतानी चाहिए। देखो जैसे इसमें एक साइड बता रही, एक साइड नहीं बता रहा, सही है। इसमें साइड बतानी चाहिए क्योंकि इसका पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसमें उसी हिसाब से एक तरफ से बतानी चाहिए कंटिन्यूटी, एक तरफ से नहीं बतानी चाहिए। ये चारों डायोड मैंने चेक कर लिए, चारों सही हैं। फिर कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है जब भी लाइट नहीं जल रही है। दोस्तों रेजिस्टेंस हो रहा है, इस रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब की बार रेजिस्टेंस दोस्तों कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ही खराब है दोस्तों। अब इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे और दूसरी चेंज करेंगे। मैं रेजिस्टेंस को निकाल के दूसरी लगा के फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर दी है, अब ये देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी, ये देखिए आ गई है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ही ख़राब थी इसके अंदर। मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या करा। मैंने ये रेजिस्टेंस चेक करी इसकी, फिर मैंने ये चारों डायोड चेक करे, फिर उसके बाद मैंने ये रेजिस्टेंस चेक करी, कंडेंसर चेक करा, सब कुछ सही था। उसके बावजूद फिर मेरी नज़र इस पर पड़ी, फिर ये डायोड भी सही था, फिर रेजिस्टेंस देखा, ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। अब मैंने इस रेजिस्टेंस को चेंज किया तो कंटिन्यूटी आ गई है, तो अब इसके अंदर लाइट आ जानी चाहिए। फिर अगर इसके अंदर लाइट आ जाती है तो फिर हम इसके दो तार लगाएंगे, अगर नहीं आती है फिर इसको हम दोबारा से रिपेयर करेंगे। दोस्तों जैसा कि देखिए इसमें लाइट आ गई है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस में ही दिक्कत थी। देखिए लाइट जल रही है, इस लाइट पर देखना, देखिए मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ लाइट, ये देखिए चल गया। तो अब ये हमारा 5 वोल्ट का, अब इसको हम तार लगा के बंद कर देंगे और ये 5 वोल्ट का चार्जर हमारा तैयार हो गया है। हम इसको बंद कर, पहले हम इसके तार लगाएंगे, दूसरे जो तार ख़राब थे इसके, इन तारों को भी चेक करेंगे, इन तारों को काट के हम दोबारा से लगाएंगे। हम इस पेस्ट लगाएंगे दोस्तों। बिना फ्लक्स के अगर आप सोल्डिंग करोगे तो वो ड्राई सोल्डिंग में आ जाता है और वो थोड़ी देर बाद अपना आप ही उखड़ जाता है या कार्बन ख़राब हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता। तो इसलिए ये याद रखें कि आपको हर सोल्डिंग पे फ्लक्स का यूज़ ज़रूर करना है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 30 रुपये की डब्बी आती है इसकी फ्लक्स की और सालों साल चलती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं तो ये आपको पता ही होगा, ये बिना इसके सोल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है।
जहाज के प्लस थे प्लस। दोस्तों जो रेजिस्टेंस वाला हिस्सा था ना उसको, वो हमने सबसे पहले, आप ये काम करिए जब भी कहीं तार छुड़ाए ना, तो आप पहले ये देख लीजिए आपने जो तार हटाए ना उसकी एक वीडियो बना लीजिए बस, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नॉन, जैसे नए नए बंदे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले वीडियो बना लेते हैं चीज़ की, उसके बाद उसमें काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको ईजी करना है काम, तो आपको भी यही करना पड़ेगा कि आप क्या करिए, सबसे पहले उसकी वीडियो बना लीजिए। ठीक है, मैं इसके तार लगा के फिर आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें तार लगा दिए हैं, दोनों फोल्डिंग कर दिए हैं, अब हम इसको बंद करेंगे जैसे हमने इसको खोला था। देखो यहाँ पे एक छेक है, तो ये एलईडी के लिए छेक होता है, यहाँ पे एक कट होता है, ये तार के लिए होता है। तो हम इस एलईडी को इसके अंदर करेंगे और इसको बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं इसमें वोल्टेज आई है या नहीं आई है। अगर अब भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रही है और बल्ब जल रहा है, तो समझो ये तार भी ख़राब है, हमें तार भी चेंज करना पड़ेगा। देखो एलईडी जल रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखो, ठीक है ना। अब हम इसमें तार में वोल्टेज देखते हैं, इसको हम 20 पे कर लेंगे। दोस्तों अभी भी इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इसका अभी भी तार ख़राब है। अब हम इसका तार भी चेंज करेंगे, फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। दोस्तों की जैसा मैंने देखा उसमें तार ख़राब था, तो मैं अब इसका तार चेंज कर रहा हूँ। तार मैंने पूरा खोल लिया, दोबारा से तार भी निकाल दिए, दो तार इसमें मैं लगा के देखूँगा कि अब क्या होता है। उसको सोल्डिंग करेंगे इसके ऊपर। दोस्तों जैसा कि मैंने इसमें तार भी लगा दिए हैं, इसको बंद भी कर दिया है, अब हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करेंगे। लाल वाला तार, ये इसका मैंने प्लस लगाया है, और ये येलो वाला निगेटिव लगाया है। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज आई है नहीं आई है। दोस्तों इसके तार छीलने पड़ेंगे अभी मैंने। देखो दोस्तों वोल्टेज आ गई है इसके अंदर, इसका मतलब ये हमारा चार्जर पूर्ण रूप से ठीक हो गया है, 5.8 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने रेड वाला तार लिया है, इस रेड वाले तार को इसके साथ जोड़ देंगे, और ये इसके साथ जोड़ देंगे, और ये हमारा एक अडाप्टर खिलौने की गाड़ी का, जो बच्चों के टॉयज आते हैं कार वगैरह, उसके चार्जिंग के लिए तैयार हो गया है। किसी में 5 वोल्ट आती है, किसी में 9 वोल्ट आती है, किसी में 12 वोल्ट आती है, तो आप उसी हिसाब से उस चार्जर का, और हम इसको बाद में टेप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इन फ्यूचर मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो बताता रहूँगा जो घर में ही आप फ्री में ठीक कर सकते हैं हर चीज़ को।